एक मामूली आदमी एक ठेले वाला सब्जी वाला अगर आयल डलवाएगा वो कम से कम वाला डलवाएगा, जो दूसरी जगह पे 250 का मिलेगा हम उसको 200 में डाल के देंगे। 50 रुपए का फर्क बहुत होता है क्योंकि 250 के लिहाज से। जी जी बिल्कुल। गाड़ी वाला, बाइक वाला, रक्षे वाला, कार वाला हमारे पास आता है ना, आयल चेंज के साथ हम उसकी इंजन रूम की सर्विस करके देते हैं, वॉश करके देते हैं उसका। शेल का रखा हुआ है, ये 2000 रुपए का चला रहे हैं, वैसे 2200 से ऊपर का इसका रेट है। इसके साथ आप ये देखो ना, थोड़ी मेहनत भी है, बेनिफिट भी है, इंजन रूम वगैरह भी वॉश करके दे रहे हैं। अगर बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जो आयल चेंज नहीं कराते, वो बोलते हैं यार हमारा इंजन रूम वॉश कर दो, तो हम उनसे 250 रुपए मजदूरी लेते हैं। जो बंदा हमसे आयल चेंज करवाता है फिर वो 250 की उनको बचत है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भलिम। तो भाई कराची में अक्सरियत मोटरसाइकिल चलाती है, और लेकिन मसला ये होता है कि मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ऑयल खर्च होता है, ऑयल तब्दील कराने की बारी आती है, हर महीने आपको ऑयल तब्दील कराना होता है। मगर जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं या गाड़ी वाले रिक्शा वाले भी, वो कहते हैं यार अच्छा ऑयल नहीं मिलता, मतलब कहीं से भी डलवाते हैं मतलब वो मज़ा ही नहीं आता, 15 दिन में ऑयल ख़त्म हो जाता है, ऑयल तब्दील कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एक ऐसी दुकान है, मक्का ऑयल इनका नाम है, और हमें यहाँ पर इनके दुकानदार भाई ने बुलाया। उनका दावा है कि उनके ना सिर्फ उनके रेट अच्छे होते हैं, होलसेल रेट पे ऑयल देते हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि जिससे जो दुकानदार के पास जो घाघ आता है वो खुश होकर जाता है, और कस्टमर सर्विस बेहतरीन देता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर आएँ और ज़रा उनसे बातचीत भी करें, लोगों को भी दिखाएँ, और जो लोग आते हैं उनका रिव्यू भी दें और हकाइक बताएं आपको। कि हम इनकी बात पर तो आ गए, अब देखते हैं कि क्या सच्चाई है। आ जाएँ। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका दोस्त? अबरार। अबरार भाई ने हमें बुलाया है और कहा कि हमारे जो रेट है ना वो कराची में कहीं नहीं मिलेंगे। और अभी सच बात है? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल में हम होलसेल रेट में काम करते हैं, और हम जो है ना कंपनियों से डायरेक्ट हमारा कॉन्टैक्ट है, कंपनियों से माल उठाते हैं हम, बाकी लोकल माल हम रखते नहीं है। जेन्युइन ऑयल की हमारी गारंटी होती है और होलसेल रेट पर हम देते हैं। हर दुकानदार जो है ना वो होलसेल रेट पर काम नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह यह है इसमें मार्जिन कम होता है होलसेल में, रिटेल में मार्जिन ज़्यादा होता है। अगर होलसेल में बेचेंगे तो कम मार्जिन है लेकिन कटिंग ज़्यादा है, रिटेल में बेचेंगे तो कटिंग कम है मार्जिन ज़्यादा है। यानी ये वो मेमन वाली स्टाइल की ट्रिक है, मेमन बोलता है थोड़ा मुनाफा रखो लेकिन कस्टमर ज़्यादा है। जी जी, तो माशाल्लाह यानी कोई भी आएगा उसको आप होलसेल रेट पे ही देते हैं? एक बंदा भी आए कोई गाड़ी है होलसेल रेट पे हमारा। अच्छा, दुकान कहाँ पर है और कब खुलती है, क्या टाइमिंग है उसकी? टाइमिंग भाई ये है कि 7:45 बजे खुल जाती है, हाँ सुबह, और तकरीबन रात को 10 बजे तक रहती है। और ये जुबली से आगे सीधा पुलिस हॉस्पिटल के करीब जो है हेडक्वार्टर के गेट के पास ही हमारी दुकान है। गूगल लोकेशन भी डाल देंगे। और अब ये बताएं कि बाइक पे कितने का ऑयल डल रहा है इस वक्त, आपके पास कितने का है और दूसरे के पास कितने का है? भाई देखो मुख्तलिफ रेट हैं, कोई लूज में डालता है, कोई पैकिंग में डालता है, कोई 250 का है, कोई 300 का, यानी कि दूसरों के और हमारे रेट में डिफरेंट फ़र्क है। यानी कि फिर इसके साथ कितना फर्क आता है ताकि देखने आगे कि देखो एक मामूली आदमी एक ठेले वाला सब्जी वाला अगर ऑयल डलवाएगा वो कम से कम वाला डलवाएगा, जो दूसरी जगह पे 250 का मिलेगा हम उसको 200 में डाल के देंगे। 50 रुपए का फर्क बहुत होता है क्योंकि 250 के लिहाज से। जी जी बिल्कुल। और इसमें एक और बेनिफिट भी है, कोई भी गाड़ी वाला, बाइक वाला, रक्षे वाला, कार वाला हमारे पास आता है ना, आयल चेंज के साथ हम उसकी इंजन रूम की सर्विस करके देते हैं, वॉश करके देते हैं उसका। हाँ, ये लिक्विड वगैरह हमने बना के रखा हुआ है, पूरा इंजन साफ कर देते हैं, बिल्कुल चमचमाता हुआ। जी 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 बिल्कुल, ऐसी बात है, ये क्लीन करके देते हैं, इसका हम कोई मार्जिन नहीं लेते, मजदूरी वगैरह नहीं लेते, हम अपनी तरफ से करके देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं और दूसरे लोग करते हैं या दूसरे लोग बिल्कुल? दुकानदार देखो करते हैं लेकिन बहुत कम, आजकल जैसे घासलेट का रेट बहुत ज्यादा है, ये मारना पड़ता है, 300 रुपए का रेट है। अच्छा, तो मतलब हर बंदा नहीं करता, ये हर बंदा भी नहीं करता, नहीं करता भी तो दिल से नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात, दिल से करते हो? जी जी हाँ जी बिल्कुल करते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे फिर हम आपके पास? बिल्कुल करेंगे, हम तैयार करने के लिए सारा दिन करते हैं लोगों से बातचीत। अच्छा, नहीं हम अभी लोगों से बातचीत करते हैं, रिव्यू लेते हैं, बताते हैं भाई हमें भाई ने बुला तो लिया है, देखते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको थोड़ा सा ना आपके ऐसे बचे, क्योंकि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर बंदे की कोशिश होती है कि अच्छी जगह पर अच्छा ऑयल और सस्ता और मुनासिब कीमतें मिल जाए। अच्छा, बाइक का तो हो गया, गाड़ी का ऑयल कितने तब्दील होता है कितने में? देखो ना मुख्तलिफ कंपनियों का ऑयल है, जैसा कोई डलवाएगा उसी का। या चल ऑयल के बारे में बता, थोड़ा सा आ जाए बताते जाए ना, कहते हैं आप खुद बताते जाएंगे, मुझे नहीं पता ज़्यादा ऑयल के बारे में कि हेवलाइन का ये कितने का है इस वक्त? भाई ये देखो ये होलसेल रेट में हम इसको 2500 रुपए का दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रिटेल में कितने का है ये? रिटेल में तकरीबन 2800-2900 रुपए का, 2800-2900 रुपए का इसमें फर्क है। इसके अलावा और दूसरे बताएं, बताते जाएं। इसके अलावा जैसे ये GTX है, ये हम 1900 रुपए का दे रहे हैं, ये 1900 का दे रहे हैं, 1900 का रिटेल, तकरीबन 2100-2200 की रिटेल है इसकी, 2100-2200। ये शेल का रखा हुआ, ये 2000 रुपए का चला रहे हैं, वैसे 2200 से ऊपर का इसका रेट है। इसके साथ आप ये देखो ना, थोड़ी मेहनत भी है, बेनिफिट भी है, इंजन रूम वगैरह भी वॉश करके दे रहे हैं। अगर बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जो ऑयल चेंज नहीं कराते, वो बोलते हैं यार हमारा इंजन रूम वॉश कर दो, तो हम उनसे 250 रुपए मजदूरी लेते हैं।
हैं। जो बंदा हमसे ऑयल चेंज करवाता है फिर वो 250 की उनको बचाते हैं ना। अच्छा 250 रुपए की जो इंजन वॉश कर रहे हैं। जी 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 जबरदस्त जबरदस्त 250 रुपए तो आपके वैसे ही बच गए हो। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। और ये खुले हैं, ये मतलब ये बाइक वाले डलवाते हैं या गाड़ी बाइक वाले भी डलवाते हैं, गाड़ियों वाले भी डलवाते हैं ये। तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। हाँ ये कम पड़ता है। ये क्या हिसाब किताब? ये जैसे कोई गाड़ी वाला डलवाएगा इसका 3000 रुपए का बिल बनेगा, लूज में डालेगा तो 2000 में काम हो जाएगा। 3000 रुपए का पड़ जाएगा और ये 2000 रुपए पड़ जाएगा। हाँ इतना फर्क आएगा। और इसकी एवरेज में भी फर्क है ना। एवरेज में फर्क है, एवरेज में फर्क आता है। हाँ बिल्कुल रनिंग का हिसाब होता है। रिकमेंडेशन कौन सी आपकी तरफ से? गाड़ी वाला डलवा रहा तो वो ये डलवाए। हाँ जी चलो आप जरा देखते हैं किस तरह से काम करते हैं, फिर आपको बातचीत करते हैं। अच्छा जब तक हमारी जो गाड़ी है बाइक है उसको ऑयल चेंज हो रहा है तब तक, क्योंकि हमें ये बुलाया इन्होंने, तो हम यहाँ पर जो लोग आते हैं कस्टमर उनसे बातचीत करते हैं और उनका रिव्यू बताते हैं कि क्या कहते हैं वो लोग। अच्छा तो हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर भाई हैं, यहाँ पर मोटरसाइकिल वाले भी आते रहते हैं, खासतौर पर रिक्शा वालों की दादाजी बहुत ज़्यादा है, तो यहीं पर क्यों आते हैं आप? सर्विस अच्छी होती है, ऑयल सस्ता मिलता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है ऑयल की, क्या समझे? और अल्लाह तुम्हारा भला करे, मुतमिन करके बगाक को भेजते हैं। मतलब सही तरीके से, यानी यहाँ अगर आप ऑयल डलवाते हो वैसे अमूमन कितने महीने में, एक महीने में, दो महीने में, कब तक तब्दील करते हैं ऑयल? हम एक महीने में 3 दफ़ा करते हैं। और ज़्यादा चलती रनिंग होती है? हमारा रिक्शा ज़्यादा चलता रहेंगे। कहीं और से डलवाते हैं तो महीने में कितनी बार डलाना पड़ता है? 4 या 5 दफ़ा, यानी 2 से 3 बार फर्क आ जाता है महीने के अंदर। अच्छी क्वालिटी होती है, क्वालिटी का फर्क है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, वालेकुम अस्सलाम। कब से आ रहे हैं यहाँ पर ऑयल चेंज करवाने के लिए? ऑयल चेंज करवाने में तकरीबन 10 साल से आ रहा हूँ। 10 साल से आ रहे हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर ऑयल सही डलता है, अच्छा डलता है, एक नंबर क्वालिटी। और यहाँ पर रेट कभी अच्छे मिलते हैं आपको या रेट भी अच्छे मिलते हैं? जी जी जी। और रेट के साथ क्या बोलता है? सफाई भाई भी हो रही गाड़ी, क्या सफाई है? बड़ी अच्छी करके देते हैं। अच्छा दूसरे दूसरे नहीं करके देते हैं? दूसरे जरा ये है कि वो सुस्ती करते हैं, मतलब वो सफाई नहीं मारते जिस तरीके से। ये प्रॉपर दिल से साफ करते हैं गाड़ी, और ऑयल भी अच्छा डालते हैं। 10 साल हो गए माशाल्लाह आपको। अच्छा 10 साल पहले ऑयल कितने का था, अब कितने का हो गया? ये तो मेरे को बहरहाल याद नहीं है 10 साल पहले कितने का था और अब कितने का है, लेकिन आज का भाव है कि 1 लीटर 500 रुपये का। 1 लीटर 500 रुपये का। तो भाई आपको अबरार भाई मिलेंगे यहाँ पर, और आप यहाँ पर आइएगा, और यहाँ पर ऑयल चेंज करवाने के बाद सारी चीज़ें लेने के बाद जिन्होंने बातें कही हैं उस पर हमें फीडबैक दीजिएगा कि कितनी बातें हैं, क्योंकि हमें लोगों को कहता है तो अच्छी चीज़ मिल रही, सस्ती मिल रही है, और लोगों का किसी तरीके से फ़ायदा हो तो हम पहुँच जाते हैं वहाँ पर। तो अब भी आप लोगों का इंशाल्लाह आपके पास आएंगे अल्लाह के हुक्म से, और आपने बेहतरीन किस्म की जो बातें की सारी करनी है, और कस्टमर सर्विस भी बढ़ेगी आपकी, और बस इंशाल्लाह फिर तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी।